जिसमें एग जो स्पम जो है वो एग को फर्टिलाइज करते हैं और ब्लास्ट्रोला स्टेज आती है ब्लास्ट्रोला से जो, जो है वो उसके क्लीवेज प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल जो है वो फर्दर न्यूमरस सेल्स के अंदर डिवाइड करता है और डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं यानी कि ब्लास्टोमियर मीन हमारे पास आ जाता है और देन जो ब्लास्टोला है वो गैस्ट्रोला स्टेज की तरफ जो है प्रोलोंग करता है तो जब ब्लास्ट्रोला स्टेज से गैस्ट्रोला स्टेज आती है तो इसमें जितनी भी तरह के ब्लास्टोमीयर सेल्स बनते हैं हमारे पास वो सेल्स बेसिकली ख़ुद को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और उस रीअरेंजमेंट प्रोसेस के दौरान जो है वो सेल्स हाईली ऑर्डर वे से खुद को जो है वो रीअरेंज करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स उन सेल की री के नतीजे में डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स बनती है हमारे पास और उन लेयर्स को हम लोग जो है वो एक्टोडम मीजोडम

जो है वो क्लीवेज के नतीजे में बनते हैं यानी कि क्लीवेज में एक सेल जो है वो फर्दर न्यूमरस सेल्स के अंदर डिवाइड होता है तो वो सेल्स जो है वो न्यूमरस मास ऑफ सेल्स जब हमारे पास बन जाता है तो उसको हम लोग जो है वो ब्लास्टोला का नाम देते हैं उसके अलावा जो है वो उसके बाद अगर हम बात करें ब्लास्टोला स्टेज के बाद नेक्स्ट वन जो तो नेक्स्ट वन प्रोसेस में जैसे ही जो है वो गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग गेस्ट्रोलेशन सेल्स आर गिवन न्यू पोजिशन एंड न्यू नेबर्स

तो वो सेल्स जो कि एंडोडम और मीजोडम की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं वो एम्ब्रियो के इन साइड यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जबकि वो सेल्स जो कि स्किन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं वो किसी भी सेल की आउटर कवरिंग की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं इसी तरह से जब स्किन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में जो सेल्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं वो आउटर साइड पे मूव कर जाते हैं किसी भी सेल की

Uh, यानी कि ड्यूरिंग गेस्टोलेशन प्रोसेस जो है वो इंटायर एम्ब्रियो मूव करना स्टार्ट करता है लेकिन सेल माइग्रेशन जो है वो किसी भी गेस्टोलेशन प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट होती है जिसमें एक सेल जो है वो कोऑर्डिनेटली कोऑर्डिनेट करता है दूसरे सेल्स के साथ और उस लिहाज से जो है वो सामियसली वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं द पैटर्न ऑफ द गेस्ट्रेशन वेरी थ्रोड द एनिमल किंगडम यानी कि ये स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो गेस्ट्रेशन प्रोसेस वेरी करता है

कि बेसिकली ये दो तरह की लेयर्स होती है इनवर लेयर और आउटर लेयर इसमें ये होता है कि जो आउटर लेयर्स के सेल्स होते हैं बेसिकली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये इनर लेयर को जो है वो रैप कर सके तो मूवमेंट इज कल्डन मूवमेंट थर्ड वन मूवमेंट इज इनग्रेशन द माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है वो

रेदर देन द इंडिविजुअल टू इनोज द डीपर लेयर ऑफ द एम्प तो इसमें एपी बॉली में ये बताया हुआ है कि जो है वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो एक सेल की जो शीट होती है वो दूसरे सेल के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाती है इंडिविजुअली स्प्रेड नहीं होती बल्कि एक एक सेल स्प्रेड नहीं होता बल्कि एज ए यूनिट के तौर पर जो है ये जब स्प्रेड होना स्टार्ट होती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपी बॉली इसके साथ इसने डिफरेंट एग्जाम्पल बताई हुई है कि ये जो एम्पी प्रोसेस होता है ये बेसिकली सी और ट्यूनिकेट्स के अंदर होता है और डिलेमिनेशन प्रोसेस और बर्ड के अंदर होता है वो सी अर्चन के अंदर होता है वो फीबियंस के अंदर और इनग्रेशन जो है वो सी अर्चन में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अः मीजोडर्म फॉर्मेशन के दौरान जो है ये प्रोसेस होते हैं दिस इज दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशन अब गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस ये तो सिंपल हुआ कि गेस्ट्रेशन मैंने बताया कि गेस्ट्रोलेशन है क्या इसमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है वो किस तरह से मूव करते हैं और उनकी माइग्रेशन जो है वो किस तरह से होती है फर्दर सिर्फ आ, आज सिर्फ जो है इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको नेक्स्ट जो है वो इनशाला एक्सप्लेन करूँगी कि ये गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस के दौरान ये जो सेल की मूवमेंट होती है इन्वोलेशन इन्वोलेशन इन्वेजिनेशन जो है वो मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो है ये गेस्ट्रोलेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो सेल किस तरह से मूव करते हुए एक्टोडर्म एंड्रोडम और मिजोडम की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं